statement. Today, in last lecture, we have discussed about the buyback of share, in which we have discussed internal source of funding and external source of funding. Already, हम लोग बोल चुके थे कि buyback के rules क्या हैं, CRR कैसे बनता है, किस तरह से बनता है. आज जो हमारा second portion है, that is external source of funding. Internal source of funding we have discussed into the last lecture already. We are continuing with the external source of funding. जिसके अंदर ये बोला गया था, अगर कंपनी के पास में सफिशियंट सोर्स ऑफ फंडिंग इंटरनल नहीं अवेलेबल है तो कंपनी क्या जा सकती है, न्यू इशू के लिए जा सकती है. और न्यू इशू सेम कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, ये भी मैं लास्ट लेक्चर में बोल चुका था. आज उसी के रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. अगेन फर्स्ट एंट्री विल बी सेम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर. दिस इज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर की एंट्री है. रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे. ये था सिर्फ बायबैक का पोर्शन, ये है अब कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने का, जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं कि न्यू इश्यू करने जा रहे हैं. अगर कंपनी के पास में 10 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं और उनका बायबैक हो रहा है तो और उनके पास में इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है तो कंपनी न्यू इश्यू भी कितने के लिए जाएगी, 10 लाख के लिए जाएगी. तो न्यू इश्यू कैन बी ऑफ इक्विटी शेयर, न्यू इश्यू कैन बी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड न्यू इश्यू कैन बी एट द पार और एट द प्रीमियम. As we are aware, as per the Companies Act 2013, new issue cannot be made now on the discount. So we cannot issue in this situation also the new shares at the discount. So इसी को ध्यान में रखते हुए बोला गया है, the capital requirement will be fulfilled by the issue of equity shares and preference shares and securities premium. Last entry will be payment of equity shareholder, payment to the equity shareholder and equity shareholder to account debit to bank. अब इस सिचुएशन को एग्जाम और क्वेश्चंस में कैसे घुमाया जाता है इसको ध्यान में रखेंगे. कंपनी आपको न्यू इश्यू के लिए बोलेगी डिबेंचर. डिबेंचर्स आर द लोन, दे आर नॉट एलिजिबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. तो अगर आपका क्वेश्चन बोलता है कि हमने नए डिबेंचर्स इश्यू किए, हमने नए डिबेंचर्स प्रीमियम पे इश्यू किए, पार पे इश्यू किए, ठीक है, डिस्काउंट पे इश्यू किए, यस अ डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट द डिस्काउंट. तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि न्यू इश्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा. आपको न्यू इश्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ मैंने जो रिजर्व बताए थे उन रिजर्व को यूज करते हुए और या फिर कंपनी फ्रेश इश्यू के लिए जाएगी तो उसके थ्रू कर सकती है, ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन आपको एक पॉइंट और बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट बेचे और उससे फंड आया, तो अगेन इन्वेस्टमेंट सेल करना इज नॉट अ फुलफिलमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट बेचना, डिबेंचर्स इश्यू करना, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स टू जनरेट और टू कलेक्ट द फाइनेंस ओनली इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर. तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है. अब मिक्स मेथड कैन ऑल्सो बी यूज, लाइक सम पोर्शन विल बी ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग, सम पोर्शन विल बी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग. इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का बायबैक हो रहा है, मेरे पास में 5 लाख एज ए रिजर्व अवेलेबल है, परंतु शॉर्टेज ऑफ फंड कितना गया है, 5 लाख का. तो वी कैन गो फॉर द मिक्स कॉम्बिनेशन, 50% विद द इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग, 50% विद द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग. इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग मतलब जितने भी रिजर्व अवेलेबल है उनसे सीआरआर बनाया, और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग में मैं आपको बोल चुका था न्यू इश्यू के लिए कंपनी जाके न्यू शेयर इशू कर सकती है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द बायबैक ऑफ शेयर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अ फास्ट रिविजिट. थैंक्स.